नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था 25 साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर उस वीडियो को आप देखिएगा। तो आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो चलिए हमारे साथ बने रहे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाएं कि वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कल की वीडियो में। तो 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है शिक्षक की वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो देखिए नियमित मूल्यांकन परीक्षा अगर आयोजित करेंगे तो बच्चे क्या है, परीक्षाओं से डर जाएंगे, उनको भय पैदा हो जाएगा, बार बार वो परीक्षा देते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके उसकी व्याख्या करनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो पहला वाला है ए ऑप्शन ही आपका सबसे बेस्ट है कि जब क्या है शिक्षक वास्तविक जीवन की स्थितियों पर क्या है बच्चों के बारे में बातचीत करेंगे, जो रियल लाइफ में जो घटनाएं घटित होती है उस हिसाब से उसको पढ़ाएगा, तो बच्चों के दिमाग में वो सीधा सटीक बैठ जाएगा। ठीक है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, तो ठीक है। अगर शिक्षण सामग्री अच्छी है तो बच्चों के समझ में ज्यादा आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से विचार करना, तो ए ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं आप भी अपने मन में काउंट करते जाइए कि आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे, विज्ञान विषय को देंगे, तो किसी एक विषय को देना क्या है उचित नहीं है, क्योंकि सभी विषय क्या है अपने आप में बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार, तो ये एक सही ऑप्शन लग रहा है, फिर भी आगे देखते हैं। उच्च विचारों को, तो उच्च विचार में क्या है बी वाले में क्या है दोनों आ रहे हैं आस्था को, तो इसका जो बी ऑप्शन है वही सटीक है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, ठीक है, दोनों को क्या करेगा अध्यापक प्राथमिकता देगा, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षण की परियोजना पद्धति क्या है, तो मतलब किस पे संबंधित है, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक केंद्रित है तो नहीं है। परियोजना क्या है, जो प्रोजेक्ट कार्य होता है आपके बच्चे उसको क्या करते हैं स्वयं करते हैं, तो ये किस पर संबंधित है, ये बाल केंद्रित पर होगा, बालक केंद्रित है ये। तो छात्र केंद्रित परियोजना विधि है, इसमें क्या है बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, स्वयं करने की एक विधि है, और इसमें बच्चा क्या है काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि वो क्या है स्वयं सब कुछ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है, तो एक अध्यापक का सबसे श्रेष्ठतम गुण क्या होगा, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र तो होना चाहिए बिल्कुल है, अध्यापक के प्रति उच्च विचार होना चाहिए, और धर्मनिष्ठता, ये सारे गुण होने चाहिए, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठतम गुण है वो है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर उसका, क्योंकि मेन तो अध्यापन कराना है अध्यापक ने, और उसके प्रति उसको पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो 29 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या अच्छा वेतन देकर, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि अगर अध्यापक, देखो अध्यापक का सबसे खुशी अध्यापक कब होती है, जब क्या है उसकी कोई सराहना करती है कि भाई आपका पढ़ाने का तरीका इस तरीके से, वेतन देना ये सब चीज़ें अलग है, या स्कूल परीक्षा फल वगैरह अलग चीज़ है, परीक्षा फल तो लास्ट में एक बार आना है, लेकिन अगर उसके कार्यों की सराहना की जाती है तो उसे उस पर बड़ा गर्व होता है, या छात्र खुद ही करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि इससे व्यक्ति विद्वान बनता है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें शिक्षा ग्रहण क्यों करनी चाहिए, मेन है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है शिक्षा, ठीक है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन ए है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, बी है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। अब देखो अगर हम ये बोलें क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चों के पास एक ही आंसर होगा हाँ या नहीं, वो सोचेंगे नहीं उसका, ठीक है। सही जवाब क्या है, तो सही जवाब क्या है केवल एक डायरेक्शन में सोचेगा जो उसका सही जवाब है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो अब वो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इस स्थिति के बारे में क्या है, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे भाई विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो बच्चों के दिमाग में आ गए कि कई सारे तरीकों से हल हो सकता है, तो कई तरीके इसके खोजेंगे, और इस प्रकार उन पे क्या है उसके बारे में क्या है गंभीर रूप से सोचने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि, अब देखो बुनियादी शिक्षा है
जो प्राइमरी है वो मनोवैज्ञानिक क्यों है। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। इसमें हस्तशिल्प की प्रधानता दी जाती है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक आधार क्यों होगा, जब क्या है पाठ्य पुस्तक और छात्रों के बीच जो कोरिलेशन हो रहा है कि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जा रही है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक क्या है जो हमारे व्यवहार को जानता है, व्यवहार के बारे में बताता है। तो छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकर जब हम क्या है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करेंगे तो ये क्या होता है बुनियादी शिक्षा में यही हो रहा है आजकल, और यही क्या है मनोवैज्ञानिक आधार है। तो इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या होगा, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है, छात्रों को पढ़ने में लगाना है या छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना है या छात्रों की परीक्षा पास करने के योग्य बनाना। अब देखो सभी ऑप्शन सही है, अध्यापक सभी कार्य करता है, लेकिन जो वास्तविक कार्य क्या है, छात्र की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, सी ऑप्शन इसका राइट है। अगर वो सर्वोन्मुखी विकास करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ गई, पहला दूसरा या चौथा, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास में क्या है, पढ़ाना भी हो गया, उसको खिलाना भी हो गया, उसको प्रेरित करना भी हो गया, परीक्षा में अच्छे अंक पास करने भी हो गए, और आगे के लिए उसको मोटिवेट करने के लिए भी ये सारी चीज़ें उसमें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो प्राथमिक कक्षाओं में पड़ती है, माध्यमिक या सेकेंडरी या कॉलेज में, तो कॉलेज में तो खैर अभिभावक का कोई काम नहीं है। सेकेंडरी कक्षाओं में, अब देखिए जितनी छोटी कक्षा होगी उतना ज़्यादा क्या है अभिभावक से क्या है टीचर का संबंध होना चाहिए। तो प्राइमरी कक्षा में क्या है मुलाकात सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अभिभावक की मुलाकात कहाँ होगी, प्राइमरी कक्षाओं में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। माध्यमिक और सेकेंडरी में बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं हो पाती, फिर बच्चे समझदार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह कैसा होना चाहिए, जो गृह कार्य दिया जाए वो कैसा होना चाहिए, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, तो ठीक है बिल्कुल सही है, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए या पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, यार ये सभी सेकंड क्या बोला कि पढ़ाए गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए या पूर्व ज्ञान, तो देखिए दूसरा और तीसरा नहीं होगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान पर तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान वाला पहले से तो वो पहले कर दिया होगा, ठीक है, या पहले पढ़ाए, बी ऑप्शन क्या बोला कि पहले पढ़ाई गई पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए। अब जो पहले पढ़ा दिया तो उसमें गृह कार्य पहले दे दिया गया होगा, तो इस बार उसके सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही होगा कि पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, जो पाठ आज आप पढ़ा रहे हैं उसी का गृह कार्य दिया जाएगा, क्योंकि उससे वो चीज़ें क्या हो जाएगी उसकी क्लियर हो जाएंगी, और आज का उसने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा भी सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बच्चे डैश डैश यहाँ पर आपको भरना है इनमें से, को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो जो जेंडर है, ठीक है, जेंडर की जो भूमिका है उसको कहाँ वो एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ एक्वायर्ड करते हैं, मीडिया के द्वारा करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। सामाजिकरण की लिंग भूमिकाएं ग्रहण, देखिए यहाँ पर है ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, तो ग्रहण नहीं करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गए, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते हैं, तो मीडिया के द्वारा तो करते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिकरण, समाज में रह रहे तो उनको पता है कि जेंडर के बारे में उनको पता चल जाएगा, ठीक है, कौन मेल फीमेल ये सारी चीज़ें वगैरह। सांस्कृतिक, संस्कृति के बारे में उनको पता होगा। ट्यूशन, ट्यूशन में उनको इस बारे में क्या है लिंग भूमिका ग्रहण नहीं करेंगे, ट्यूशन में वो जाएंगे और पढ़ेंगे और वापस आएंगे, ठीक है, तो 37 का यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, यह कथन आपकी क्या प्रायिकता करता है, तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है यह केवल एक आदर्श वाक्य है, तो ऐसा नहीं है। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती है, तो ऐसा भी नहीं है, यह वास्तविक है, क्योंकि शिशु आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता, तो सी ऑप्शन ही इसका सही होगा, क्योंकि शिक्षा का कार्य क्या है छोटे बच्चों को या बच्चों को पढ़ाना, अध्यापन का कार्य कराना है, शिशुओं को पढ़ाएगा बचपन से लेके, तो शिशु क्या है आगे चलकर ही राष्ट्र का निर्माण करेगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है, शिक्षण की, शिक्षण मतलब जो शिक्षक क्या है शिक्षण करा रहा है, तो कौन सी विधि सबसे कमजोर, संवाद विधि, दृश्य सर्वे विधि, प्रोजेक्ट, देखो पाठ्य पुस्तक विधि होगी, डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में क्या होगा टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया पाठ्य पुस्तक लेके, तो बच्चे बहुत बोर होंगे। संवाद विधि में क्या होगा बच्चों से आपसी बातचीत, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे और उससे उनका भाषा का विकास होगा, बहुत सारी चीज़ों का विकास होगा, क्योंकि वो भी क्या करें उसमें एक्टिव हैं। दृश्य श्रव्य विधि, तो इसमें बच्चे पूर्णता क्या है एक्टिव है, आनंद आ रहा है उनको। प्रोजेक्ट विधि में क्या है वो स्वयं करें, तो इसमें भी वो एक्टिव हैं। यहाँ पर वो क्या है जहाँ पर बच्चे एक्टिव नहीं है तो वो क्या है कमजोर विधि होगी, क्योंकि शिक्षा कैसे छात्र केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा है और बालक को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा क्या करता है, समर्पण एवं निष्ठा की करता है, बिल्कुल आज्ञा पालन और योग्यता सभी की करता है, तो ये सभी आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे तो ऐसा कोई जरूरत नहीं, स्पष्ट मना करेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, ठीक है, आपको तुरंत तैयार होना होगा, क्योंकि अगर आप तैयार जल्दी हो जाएंगे तो बच्चे भी आपका क्या करेंगे, बच्चे भी आपसे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है, शिक्षण समय में कमी होना, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, या पाठ्य सामग्री क्रियाओं को प्रभावित होना। देखिए बी ऑप्शन सबसे सटीक होगा कि छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा, ठीक है, अगर शिक्षकों के बीच संघर्ष होगा तो सबसे ज्यादा परिणाम किसे पड़ेगा, छात्रों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा संबंध किसका है, छात्र शिक्षक का, छात्रों का व्यवहार क्या है, बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, समस्या समाधान में प्रवीणता करना है, खोज की इच्छा जागृत करना है, सभी चीजें हैं, लेकिन सबसे सटीक है सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना, वो क्या कहेंगे, जो क्रिएटिविटी जो बच्चों के माइंड में है उसको प्रमोट करेगी, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, अगर मान आपको अनुशासन भंग कर रहा है कोई छात्र, आपको दंड देना ही पड़ रहा, तो कैसा होना चाहिए, वो भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, ऐसा बिल्कुल नहीं, भय तो उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, तो ऐसा तो बहुत गलत बात है, दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार लें, तो सी ऑप्शन ही इसका सही होगा, ठीक है, कि आपने दंड ऐसा देना है कि उससे वो सुधर जाए, क्यों, सुधारने के लिए दंड दिया गया है कि जब कोई चारा ना बचे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि शिक्षण का कार्य है हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश में नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक नहीं कर पाते हैं, तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा कि सभी के बस की बात नहीं है, ये कला है शिक्षण, कल के क्वेश्चन में आया था, एक कौशल है, बोले तो कला नहीं बोलेंगे उसको, कौशल। क्वेश्चन नंबर 47 है कि स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो घर के काम में पत्नी का हाथ बांटना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर एक पति है तो पति के रूप में उसे बांटना चाहिए, लेकिन अध्यापक के रूप में नहीं, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। देखिए बी ऑप्शन ही इसका सही होगा कि स्व अध्ययन के द्वारा अगर वो अपना विकास करता है तो क्या है, जितना ज़्यादा उसका खुद का विकास होगा वो बच्चों का विकास भी उतना ही ज़्यादा करेगा, ट्यूशन की आय से ज्ञान बढ़ाना इस तरह से तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, आवश्यक क्यों है कि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने में, तो इसका देखें ए ऑप्शन ही सही होगा इसका कि छात्रों में क्या है जो पर्यावरण की चेतना है, जब पर्यावरण की चेतना छात्रों में जगेगी तभी जाके हमारा भविष्य में क्या है पर्यावरण सही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यथार्थ जीवन के उदाहरण को भरपूर प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, देखिए ये भी ठीक है, चर्चा भी देनी चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, तो तीनों सही है, तो मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद कमेंट में देना है अगर आपको इसकी जानकारी है कि किस विधि में छात्र सबसे अधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, तो देखकर, स्वयं करके, या सुनकर, या पढ़कर, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब चेक कर सकते हैं कि आपने इसका जवाब सही दिया है कि नहीं दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके पास 50 क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।